ऐसे सीधा लगाएंगे आप ये इस प्रकार से, ना ये ऊपर होना है ना ये नीचे होना, ठीक है, ये एकदम इससे सीध में होना। अब ये आपने लिया, अब पोजीशन आपका ये होगा, पोजीशन देखना सही है ये, और हाथ आपका इस पोजीशन में होगा। आप आर्चरी में ये क्या है, एरो, ठीक है, एरो है, ये है स्ट्रिंग और ये बो सेट, पूरा हो गया बो सेट आर्चरी। अब इसको किस प्रकार से चलाना है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा निशाना नहीं लगता है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसमें पहले जो हमारा एरो होता था वो यहाँ पर उभरा हुआ भाग होता है, तो कि हम उंगली और अंगूठा से पकड़ सकते थे उसको, लेकिन यहाँ पर स्लोप है, अगर ऐसे पकड़ेंगे और खींचेंगे तो स्लोप होकर वहीं सामने ही एरो गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस दिया गया है और आपकी दो उंगली इस्तेमाल करना है, इसमें दो उंगली का इस्तेमाल करना है, ये एरो को आपको इस प्रकार से ऐसे सीधा लगाना, ऐसे सीधा लगाएंगे आप ये इस प्रकार से, ना ये ऊपर होना है ना ये नीचे होना, ठीक है, ये एकदम इससे सीध में होना। अब ये आपने लिया, अब पोजीशन आपका ये होगा, पोजीशन देखना सही है ये, और हाथ आपका इस पोजीशन में होगा, आपके हाथ होगा शोल्डर के जो कोहनी है वो शोल्डर लेवल में होगा सीधा, अगर ऐसे नहीं करना, आपका ये हाथ होगा इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, शोल्डर लेवल में, और खींच के और छोड़ देना, अभी ऐसे खींचना है और छोड़ देना, ये देख लीजिए मेरा उंगली कैसे यहाँ पर, ये देख लो उंगली कैसा है, इस प्रकार से आपको रखना, अगर पूरी उंगली से पकड़ेंगे आप तो इसको छोड़ने में फिर दिक्कत आएगा, यहाँ से क्या करेंगे छूटेगा नहीं, ये पूरी उंगली छोड़ने में दिक्कत आएगी, तो दो उंगली लेना है, दो उंगली के पॉइंटर, ये सबको दिख रहा है ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से लेंगे और ऐसे करके पोजीशन होगा ये आपका, ये ऐसे पोजीशन होके और ऐसे छोड़ देना। तो अगर आपका टारगेट दूर है तो क्या करना है आपको, एक एरो चला के देखिए, और अगर वो टारगेट तक नहीं जा रहा है या साइड में जा रहा है तो आप थोड़ा कम खींचिए उसको, और थोड़ा सा उसे आधा फिट ऊपर निशाना लगाइए, आधा फिट ऊपर निशाना लगाएंगे, जैसे ही वो उनका प्रेशर कम होगा और टारगेट पे जाके हिट करेगा तो आपका निशाना लग जाएगा, क्योंकि इसमें आपको खाली चलाना ही सीखना है, इसमें निशाना लगाने की मत सोचिए कि चल निशान लग जाएगा तो।